स्कूलों में अपने बच्चों को सुरक्षित पढ़ाना अब अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लगातार स्कूल से बच्चों के गायब होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। ऐसी ही एक खबर शहर के ही चट्टी चौक पर संचालित एनवी इंग्लिश एकेडमी स्कूल की है, जहां के छात्र ऋषु प्रसाद सिंह बीते 3 जुलाई को स्कूल परिसर से अचानक इस तरह से गायब हुए कि 5 दिन गुजर जाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका है। 9वीं कक्षा के छात्र ऋषु की उम्र लगभग 15 साल है। वह DMCH के कर्मी मनोहर प्रसाद सिंह का पुत्र है। मनोहर प्रसाद सिंह अपने परिवार के साथ बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले खराजपुर में किराए का मकान लेकर रहते हैं, लेकिन अपने पुत्र की गुमशुदगी से परिजनों में बेचैनी है। उन्हें आशंका है कि कहीं उनके पुत्र के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। परिजनों के अनुसार ऋषु 3 जुलाई को करीब 7 बजे सुबह स्कूल पहुंचा था। स्कूल के कैमरे में प्रवेश के समय की तस्वीर भी मौजूद है, लेकिन अचानक स्कूल संचालन के समय ही ऋषु वहां से गायब हो गया, जिसके बाद से अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। इस बाबत लहेरिया सराय थाने में मामला भी दर्ज कराया गया है। करनी सेना के नेता ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। परिवार ने जो आवेदन दिया है उसके अनुसार उनका शक विश्वजीत और अंकित राज पर है, लेकिन सवाल विद्यालय प्रशासन पर भी है कि आखिर कैसे बिना अनुमति के कोई छात्र स्कूल परिसर से बाहर निकल सकता है। यही कारण है कि परिवार का आक्रोश स्कूल प्रशासन को लेकर भी है। क्या नाम है आपका? मनोहर प्रसाद सिंह। क्या हुआ आपके साथ? लगभग 12 बजे के बाद जो है, लगभग 12 बजे के बाद खबर आया अमोल सिंह के नाम से स्कूल से। 3 तारीख 7:05 में हम बच्चे को स्कूल पहुँचाए। हमको एनवी इंग्लिश अकेडमी ये लहरिया सराय पोस्ट ऑफिस के सामने। क्या हुआ? हमको जो है, हम स्कूल पहुँचा के अपना काम में लगे हुए थे कि हमको 12 बजे के लगभग बाद में खबर आया कि आपका बच्चा जो है भाग गया। फिर हम पहुंचे तो हमको सारा चीज, अब हम जो है उसमें क्या करते, तब हम सारे FIR किए थाना में लहरिया सराय। वो हमको अच्छी किए, वहाँ हमारे साथ गए। पुलिस से क्या सहयोग मिल रहा आपको अभी तक? अभी पुलिस के सहयोग से संतुष्ट हैं आप? नहीं, इसलिए नहीं संतुष्ट है जो कि उसी स्कूल के अंदर का फुटेज लिए कि लड़का जो है बाहर से निकला ना, गार्ड उठा, स्कूल का कोई रिस्पॉन्स नहीं हम देखे, है ना। स्कूल प्रशासन आपकी क्या मदद कर रहा है अभी तक बच्चे को रिकवर करने में? अभी तक तो कह रहे हैं कि हम तहकीकात में लगे हुए हैं, अभी तक तो कोई नहीं। प्रशासन आपकी मनोहर जी, एक सवाल है कि बच्चे के स्कूल के छुट्टी होने का निर्धारित समय 12:00-1:00 है। स्कूल में CCTV में दिख रहा है कि वो 10:30 बजे बच्चा निकला है, तो फिर स्कूल इतना लापरवाह कैसे हो गया? बच्चे निकल जाते हैं, तो उसने जो है एगो विश्वजीत नाम के लड़का का, अब उसने आपस में जो है इंस्टाग्राम चैटिंग से जो है अपना दोस्तों में, तो उसका मोबाइल जो है ले लिया, है ना। फिर उसमें कुछ होगा, ऐसा हो सकता है कि सिम तोड़ के फिर मोबाइल दे दिया। आपको क्या लगता है इस हमको इसका हम कौन संलिप्त है? किसी पर शक भी आपको है? नहीं, शक तो नहीं है हमको। ये आप किसी का सुना हुआ ना कह रहे हैं? लेकिन इंस्टाग्राम चैटिंग के अनुसार जो है वो जो है आपको विश्वजीत नाम का लड़का जो है वो जो है वो धमकी दिया। ऋषु को कौन दिया था धमकी? विश्वजीत नाम के इंस्टाग्राम चैटिंग के अच्छी से जी। वो कब? अपहरण के बाद या उससे पहले? पहले। क्या धमकी था उसमें? उसमें एक अच्छी लड़की बोल रही है जो कि ऋषु को मत मारना, हम जो है वो अच्छे लड़के हैं, कोई लड़की का नाम हम नहीं जानते हैं, जैसे उसमें इंस्टाग्राम चैटिंग में पूरा है उसका डिटेल। जी बताइए क्या मामला है, क्या हुआ आपके बच्चे? 3 तारीख को मेरे बच्चे को स्कूल से नहीं मिल रहा। स्कूल एनवी इंग्लिश एकेडमी से मेरे बच्चे 10:30 बजे बच्चे गुम हुआ, पता चला 12 बजे के पास स्कूल से खबर आया है। क्या लगता आपको क्या हुआ होगा आपके बच्चे के साथ? ये विश्वजीत उसका ये बिलेत विश्वजीत उसका मित्र है, वो उसको बता रहा है जो रख करके।
क्या उम्र रही होगी आपके बच्चे की? 14 से 15 साल के बीच है। स्कूल की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दिया जा रहा है आपको? क्या स्कूल के तरफ से सर कोई प्रक्रिया नहीं है। क्या लगता है आपके बच्चे जो गुम हुआ है, जो अपहरण हुआ है, उसमें स्कूल का रोल है या स्कूल का हाथ है? ये स्कूल तरफ से मुझे कोई नहीं सहयोग मिल रहा है सर। स्कूल का अनुशासन। बच्चे का नाम क्या था? रिशु प्रसाद सिंह। आप लोगों को पता कब चला है? 12 बजे के बाद पता चला है। बच्चा आपके स्कूल से निकला कब है? 10:35 में। दस पैंतीस में आप पूछे नहीं कि 10:35 में 10:40 में क्यों नहीं हमको बताया मेरा बच्चा? मुझे कोई बात को नहीं रिस्क आती लिया है। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। जी सर बताया जाए क्या मामला है, कहाँ आप लोग आए हैं? देखिए अभी हम लोग दरभंगा के लहेरिया सराई में हैं और रिशु खराजपुर में, और रिशु नाम का जो लड़का है, जो जिसका प्रॉपर घर घनश्यामपुर थाना अंतर्गत दौड़ी तुमोल का ये मेन निवासी है, और उनके जो पिताजी हैं वो यहीं डीएमसीएच में कार्यरत हैं और यहाँ पे पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से यहाँ डेरा लेकर बच्चों को और अपने परिवार को यहाँ रखते हैं। और एनबीए इंग्लिश एकेडमी स्कूल जो चट्टी लहरिया सराय चट्टी चौक पे है, वहाँ पे इनका बच्चा जो था सो पढ़ता था। लगभग कितने दिनों से आपका बच्चा यहाँ पढ़ता था? कितने साल से? लगभग मतलब उसकी प्रारंभिक पढ़ाई भी उसी स्कूल से स्टार्ट हुई थी और 10 साल से लगभग ये बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा था। और बड़ा दुखद बात है कि उस बच्चे का जो है सो परिवार, इसके पिताजी 7 बजे जो स्कूल का टाइमिंग है ओपनिंग का, उसमें जाके उस बच्चे को स्कूल पे छोड़े और उसके बाद इनको लगभग 12:30-1 में स्कूल से खबर आती है कि आपका बच्चा स्कूल पे नहीं है। और जब इनके साथ प्रशासन वहां पहुंचा है तो प्रशासन ने जब सीसीटीवी खंगाला है तो सीसीटीवी में दिखाया गया है कि बच्चे का एंट्री 7:00 में है और बच्चा वहां से 10:00 में निकला है। तो मान लीजिए अगर स्कूल प्रशासन है और जब क्लासिंग का टाइम है तो हर स्कूल में अब गार्ड की व्यवस्था होती है, तो जब स्कूल प्रशासन के स्कूल के पीरियड के समय में कोई बच्चा कैसे निकल गया और निकला तो इसकी जानकारी स्कूल को कैसे नहीं हुई, और निकलने के 2 घंटे बाद 2.5 घंटे बाद वो परिवार को सूचित करते हैं। तो ये जो टाइमिंग ड्यूरेशन है इसमें कहीं ना कहीं शक की सुई जाती है कि इसमें कुछ ना कुछ साजिश है, और इसमें कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की साजिश है। ये जो टाइमिंग और 2 घंटे बाद आप खबर करते हैं, क्योंकि अगर आप सही समय पे खबर करते तो परिवार तुरंत सजग होता और तुरंत, क्योंकि 2 घंटा समय एक लंबा समय हो जाता है और उस समय में कोई भी व्यक्ति कहीं से लंबी दूरी तय कर सकता है। लेकिन अगर तुरंत में, तो मान लीजिए हर एक स्कूल में गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा है, सुरक्षा की बात है, और अगर कोई बच्चा आपके कैंपस से क्लास के टाइम में निकल जा रहा है और आप 2.5 घंटे के बाद परिवार को सूचित कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पे उंगली उठता है। एक बात देखने को अभी दिखाई समझ में आ रहा है कि एक विश्वजीत नाम करके लड़का और एक विलन नाम करके लड़का और एक लड़की का भी कोई जिक्र आ रहा है, इस बुद्धि को आखिर पुलिस क्यों नहीं सुलझा पा रहा है या फिर स्कूल क्यों नहीं सुलझा पा रहा है, क्या कनेक्शन? यही चीज है कि जब वो विश्वजीत नाम के लड़का के साथ चैटिंग हुआ है उसमें एक लड़की ने मैसेज पे लिखा है कि तुम इस लड़के को मारना पीटना नहीं, तो ये सारी जो बातें आती है इस पे और भी ज्यादा शक होता है कि शायद लड़के के साथ कोई बड़ी घटना तो नहीं हो गई या वो किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गया। और इसी के कारण उसके बाद जो शायद विश्वजीत को प्रशासन ने 3 दिन तक रखा तो प्रशासन उससे कोई भी वैसा ठोस सबूत नहीं उगल पाया, लेकिन उसमें एक कोई बिलेन नाम का लड़का का जिक्र आता है और प्रशासन अभी तक
उसको पकड़ने में नाकामयाब है। अतः हम यही कहना चाहेंगे पुलिस पर की कार्यशैली से आप कितना नहीं, पुलिस के कार्यशैली से एकदम असंतुष्ट हैं। और जब इस केस के जो आईओ हैं उससे हमारी बाय फोनिंग बात हुई है तो वो टाल मटोल की बात कर रहे हैं और इस ढंग से बात कर रहे हैं कि वो लड़का जो तुरंत पकड़ा जाएगा वो कोई आतंकवादी थोड़े है जो उसको तुरंत पकड़ा जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो सामने आ रही है ये बड़ी दुखद चीज आ रही है और ये दरभंगा में आए दिन इस तरह की घटना हो रही है। मैं दरभंगा वासियों से और तमाम जितने संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हम तमाम और सभी दरभंगा वासियों से आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पे आप सजग होइए और खुलकर आवाज उठाइए। अगर ऐसे आवाज नहीं उठाइएगा तो दरभंगा में आए दिन ये घटना होता रहेगा और अच्छे बच्चों का और अच्छे जो सीधे साधे परिवार हैं उनका शिकार होता रहेगा। आज 3 तारीख है को ये घटना हुई, आज 8 तारीख है, लेकिन अभी तक प्रशासन कोई ठोस मतलब परिवार को न ही आश्वासन दे पाया है और प्रशासन किसी भी तरीके का इस पे अब एक्टिविटी नहीं कर रहा है, प्रशासन सो गया है। मैं कल अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ SSP से भी मिलूंगा और तमाम जितने बड़े पदाधिकारी हैं प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पे मैं तमाम से मिलूंगा और इस घटना से अवगत करवाऊंगा। और मैं लहेरिया सराय थाना जो है उससे कहना चाहूंगा कि आप इस पे सजग होइए और इस अपहरण के मामले को सुलझाइए, बच्चे को बरामद करवाइए। अगर आप बरामद नहीं करवाते हैं तो फिर हम लोग मजबूरन आमरण अनशन करेंगे और जब तक परिवार को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। एक सवाल और है आपसे, क्या कहीं आपको लग रहा है कि ये जो दरभंगा के प्राइवेट स्कूल है कहीं ना कहीं बच्चे के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं? देखिए, लापरवाह की सीधा सवाल है, स्कूल लापरवाह है तब न ऐसी घटना हुई, नहीं तो क्लास के पीरियड में जो अच्छे स्कूल हैं और जो स्कूल का नियमावली है उसका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है तो स्कूल का जो अपना व्यवस्था है सुरक्षा का तो उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई तब ना बच्चे क्लास पीरियड से निकल गए और स्कूल जो है सो परिवार को 2 घंटे के बाद सूचित करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं शक का सुई डायरेक्ट स्कूल पे जा रहा है। सागर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, करनी सेना, बिहार।